नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को दी बधाई। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ आज से नवरात्रि हुए शुरू। विश्व जल दिवस पर सीएम ने पानी की कमी को लेकर जताई चिंता। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को पहल के आधार पर दिए जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन। विधानसभा में गूंजा पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का मुद्दा। और अब समाचार विस्तार से। आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। अब से लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो गया है। आज से 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व चलेगा, जिसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वहीं आज सुबह से ही देवी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस महापर्व के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन को सदैव प्रकाशित और ऊर्जावान रखें, ऐसी कामना करता हूँ। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का जो आखिरी दिन है और अंतिम दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई है। सदन में विधान समितियां अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी और इसके अलावा 2 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा की कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गांव के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। वहीं आज विधानसभा में पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का मुद्दा भी खूब गूंजा, जिस पर बचाव करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जो विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए लेते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत विधायक ऐसे हैं जो केवल शहरी है या कुछ में शहरी गांव दोनों का है, तो ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अब 2 करोड़ रुपया अगर दोनों तरह के क्षेत्र है तो दोनों में खर्च कर सकते हैं, शहर है तो शहर में कर सकते हैं, गाँव तो गाँव में कर सकते हैं। विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना, इसका नाम है वैंगी, अब वैंगी की बजाय वैंगी होगा, ठीक है। तो ये 2 करोड़ रुपया शहर में गांव में जो उसका एरिया है, लेकिन इसका नोडल अधिकारी जो है डायरेक्टर पंचायत रहेगा, क्योंकि एक को रखना ही पड़ता है। वो डिमांड अगर उनको शहर की जाएगी तो अपने आप डायरेक्टर शहरी को भेज देंगे। आप एक काम करिए, 2 करोड़ रुपये इतनी अमाउंट तो होती नहीं है साल में कि आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके देंगे, आप एक साथ 2 करोड़ का दीजिए और एक साथ फिर जो यूसी नहीं देते हैं तो कार्रवाई होगी। ऐसा समय पर यूसी क्यों नहीं देंगे? या तो जो आपका बताया हुआ काम है कोई नॉन फिजिबल होगा तो आपको पता जाएगा ये काम जो आप बताए होने वाला नहीं है, अगर वो काम होगा तो उसको तुरंत उसको टाइम से करना ही पड़ेगा, उसका टाइम तय करना है। आज पूरी दुनिया में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। जल के महत्व को समझाने और जल संरक्षण की पहल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने लगातार बढ़ रही पानी की कमी को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विश्व जल दिवस के मौके पर पानी का सही ढंग से प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी और मौजूद पानी के सही उपयोग के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन पहल के आधार पर देगी। उन्होंने कहा कि सभी को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में पानी बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है वहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है, केवल सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। 50 हॉर्स पावर से अधिक के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। 10 एचपी तक के लिए सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में 6 लाख ट्यूबवेल चल रहे हैं और सरकार किसानों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। पहली बात तो ये है कि एक बात बीच में हमारे मित्र ने उठाई कि इसको राइट टू सर्विस में क्यों नहीं डाला जाता। देखिए, राइट टू सर्विस में तब डाला जाता है जब कोई सर्विस ऐसी हो
जिस सर्विस में सरकार को और कुछ सोचना ना पड़ता हो या कोई और ऐसा विशेष कारण ना हो जिसके कारण से वो सर्विस को टाला जा सके या उसको रोका जा सके, ट्यूबवेल लगाने के लिए ये जो कनेक्शन के अप्लाई किए जाते हैं इसमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करने लायक हैं। एक तो उसमें है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे अप्लाई करें, जितना मर्जी चाहे निकाल लें। मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राइडर लगाया है कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया, जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हॉर्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं, 10 हॉर्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा, 10 हॉर्स पावर से ऊपर जो है वो मिलेगा। एक मिनट पूरी बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हमने इसमें गाइडलाइंस जो वाटर अथॉरिटी की है वो भी ध्यान रखनी पड़ती है कि ये ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं नहीं देने। एक दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेट के बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक ट्यूबवेल कनेक्शन का साल में ऑन एवरेज 1 लाख रुपया सब्सिडी जाती है, जो अभी 6000 समथिंग करोड़ है वो सब्सिडी सरकार देती है। इसलिए उसका भी हमको ध्यान करना है कि बजट में हमारे पास जितना प्रोविजन है उतने ही कनेक्शन खोले जाएंगे। तीसरा, अप्लाई करने में 2018 तक के जो अप्लाई थे जिसमें 4400 बाकी हैं, केवल उनके लिए ही कहा गया है कि वो तुरंत इस समय में दे देंगे और 23-24 अगले साल में जो उससे अगले कनेक्शन है उनके डिमांड नोट इन कंडीशंस पर जो पूरा करेंगे उनके डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे अगले साल में। डिमांड नोट जारी करने का मतलब है जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी पानी की, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी सब्सिडी देने की, उस हिसाब से डिमांड नोट जारी करेंगे। लेकिन अभी 4400 जो है वो तुरंत जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से झज्जर जिले में गेहूं व सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अकेले झज्जर जिले से अब तक 10,000 एकड़ गेहूं और 6,000 एकड़ सरसों को हुए नुकसान की रिपोर्ट आई है। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि झज्जर के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट मिली है, इसलिए किसानों को समय पर राहत देने के लिए स्पेशल गिरदावरी की जरूरत है। बता दें कि धनखड़ बादली हलके के खेतों में पहुंचे और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की राहत सरकार देगी। कपिल मुनि धरा पर बसा कलायत नगर में कांग्रेस पार्टी के हाथ जोड़ो अभियान को गति देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र परिसर में कलायत से कांग्रेस नेत्री अनिता ढोल व राजेश अंबरसर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में हुई बेमौसमी बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान का बगैर गिरदावरी के प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजा दे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी नेता उसके खिलाफ बोलता है तो सरकारी एजेंसियों को सरकार उनके पीछे लगा देती है। फौरन किसान हितैषी होकर, क्योंकि अगर किसान मरता है, गरीब मजदूर मरता है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है सारा, क्योंकि हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, कृषि बाहुल्य देश। अगर किसान कमज़ोर होता है तो हम मजबूत नहीं हो सकते। ये सरकार इतने कर्जे ले रही है, कर्जे में दब रही है, लेकिन इसको फौरन किसान की सुध लेनी चाहिए। उसका जो नुकसान है उसकी फौरन भरपाई करनी चाहिए, ना कि गिरदावरी के चक्कर में। मैडम, हरियाणा में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कितना जोर लगा ले, सत्ता में फिर भाजपा आ रही है। उन्होंने तो 70 बार भी गई थी, आगे 70 बार देख लिया आपने, और मैंने मीडिया के साथ ही बुरा ना मानियो। आप लोग भी सारे तकरीबन एक दो को छोड़ के आप भी सारे माने बैठे थे, तो थोड़ा आप लोग भी सही चीजें देख। कैथल मंडी के सरकारी ठेकेदार से 10 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों आरोपियों को सीआईए कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी कैथल मकसूद अहमद ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए कहा कि व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके फिरौती मांगी गई थी और चीका मंडी में टेंडर न भरने के लिए भी धमकाया गया था। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रही है। इसमें कंप्लेनेंट था जितेंद्र कुमार, जो कि गुलमोर सिटी कैथल में रहने वाला है,
और उसने शिकायत दी थी, जो जितेंद्र कुमार है ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है और इसका काम अनाज मंडियों से माल उठाने का है, और अभी उसमें टेंडर भरे जा रहे थे अनाज मंडी से माल उठाने के लिए, जिसमें कि उसने भी टेंडर भरा हुआ था। तो उसके पास 13 मार्च को पहला व्हाट्सएप कॉल आया कि आप कस्बे चीके की किसी भी मंडी में टेंडर ना भरें, और अगर आप टेंडर भरेंगे तो आपसे भी आपकी जान को धमकी दी गई कि जान से मारने की उसको, और उससे 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई कि आप 10 लाख रुपए भी दीजिए पहली बात, और दूसरा ये है कि आप इसमें कोई टेंडर ना भरें। तो वो उसने दरखास्त जो उसके पास में कंप्लेंट उसको धमकी प्राप्त हुई थी तो उसने इस संबंध में कंप्लेंट दी हमको, जो कि कंप्लेंट की हमने CIA के पास में जांच के लिए भेजा था, और उसकी जांच चली रही थी क्योंकि उसमें उसके पास उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो उससे ये भी कहा गया था कि अगर मान लो दोबारा कोई कॉल आती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें दीजिएगा। तो उसने दोबारा 16 तारीख को फिर से उसके पास में कॉल आई और ये बोला कि भैया आपने तो ये बात नहीं मानी और आप तो टेंडर लगा रहे हो और आपको जान से ये मारा जाएगा, इसकी उसने रिकॉर्डिंग करके और फिर हमको CIA में दोबारा ये दी हमको अपनी दरखास्त के साथ में। तो उसी के ऊपर तीतरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी जाँच जो है CIA को दी गई। CIA ने उसकी जाँच करी तो उसके बाद में हमने उसमें 3 आरोपी है, जो कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी जाँच के दौरान ये प्राप्त पता चला कि रामथली मंडी में जो टेंडर लगे हुए थे उसमें 2 टेंडर लगे थे, जो एक तो है इसने कंप्लेनेंट जो है इसने लगाया था जितेंद्र कुमार ने, और दूसरा टेंडर जो है वो है प्रगट सिंह है जिसने ही लगाया था। तो प्रगट सिंह की पूछताछ के दौरान ये बात फिर खुलासा हुआ कि भाई एक जगदीप नाम का व्यक्ति है जो कि आरोपी है, जिसने की कॉल करी थी, जिसने की एक्सटॉर्शन की कॉल करी थी इसको कंप्लेनेंट को। जगदीप ने पहले जो कुलदीप है जो कि चीका मंडी में ट्रक यूनियन का प्रधान है, तो कुलदीप से संपर्क किया था और उसने ये कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत है, और इसी संबंध में उसने कुलदीप से संपर्क किया था। तो कुलदीप ने उसे ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तेरा किसी संपर्क करवा सकता हूँ जो कि पैसे दे सकता है। अंबाला में H3N2 वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस से अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की एक नर्स पॉजिटिव पाई गई है और नर्स को तेज बुखार के साथ तेज खांसी भी हुई थी और टेस्ट करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल उसे दवाइयां दे दी गई हैं और वह होम आइसोलेट है और जो भी गाइडलाइंस प्राप्त होंगे और आगे उसी हिसाब से टेस्ट किए जाएंगे। वहीं अपने विभाग में H3N2 वायरस की दस्तक होने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अंबाला कैंट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला कैंट के न्यू दयाल बाग कॉलोनी में रेड कर 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक महिला भागने में सफल हो गई। और जानकारी देते हुए DSP अंबाला कैंट अनिल कुमार ने बताया कि लड़कियों का रेस्क्यू भी किया गया है, जिनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझाया गया है कि इस काम से दूर रहे। जो न्यू दयाल बाग मैरी गोल्ड स्कूल के पास ही 3 महिलाएं जो है वो अपने घरों में अनैतिक कार्य करवा रही हैं, बाहर से लड़कियां ला करके और उसमें मुनाफा कमा रही हैं, उनको भला फुसला करके उनको मिसयूज़ कर रही हैं। तो इस उस पर रात को रेड किया गया और रेड में वहां से जो पीड़ित 8 लड़कियां जिनको डिफरेंट डिफरेंट जगह से उनको बुलाया गया तो उनको भी हमने हिरासत में वहाँ से लिया, और 3 महिलाओं के खिलाफ हमने FIR दर्ज की और एक महिला वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से निकल गई जो ये कार्य करवाती है। 2 महिलाओं को और एक पुरुष विकास को वहाँ से गिरफ्तार किया हमने मौका से, और जो 8 पीड़ित लड़कियां हैं उनकी हमने काउंसलिंग की है ताकि वो ये मार्ग छोड़ दें, किसी के बकावे मन आए और ये अच्छा रास्ता नहीं है, इस प्रकार से हम उनकी भी काउंसलिंग की है और करवा रहे हैं। जिला पंचकुला में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को 2,85,000 रुपए की जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी रामगढ़ इंचार्ज मनदीप सिंह ढांडा अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधों पर नकेल कसने के मकसद से गश्त पर थे। उस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि उपरोक्त 9 आरोपी गांव मकानिया के पास बने कोठे में बड़ी भारी रकम के साथ जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मौके पर जाकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, किस मामले में गिरफ्तार किया जी उन्होंने? ये मणक्या गांव है रामगढ़ के पास, वहाँ एक कबाड़ का गोदाम है, वहाँ इन लोग जुआ खेल रहे थे। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर रामगढ़ चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में इनको काबू किया और मौके से इनसे 2,85,000 रुपये रिकवर किए। क्या ये वहाँ पे अड्डा बना रखा था या अलग अलग जगहों पे कहीं जाके खेलते थे? ये तो पंचकुला में तो फर्स्ट टाइम ही आए थे, इनका
ये बाहर के लोग हैं, दो सोनीपत के हैं और बाकी यूपी मुजफ्फरनगर के हैं। तो ये जिस तरह कभी डेरा बसी कर लिया, कभी कहीं कर लिया, इनका कोई स्थायी था पता नहीं था। अच्छा, कुछ कैश भी बरामद किया गया सर? हाँ, 2,85,000 रुपये रिकवर किया इनसे। तो क्या इन जुआ सट्टा जो अवैध सार्वजनिक स्थानों पर खेलने, किस तरह की कार्रवाई करेंगे आगे भी सर इनके ऊपर? आगे भी जिस तरह हमारे पास तो कोई इस तरह की अवैध गतिविधियां नजर आती है तो हम तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। विक्रम संवत 2080 चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में चैत्र नवरात्र मनाए जाते हैं। आज माँ भगवती का पहला नवरात्र है। आज इस पर्व पर कालका के प्राचीन श्री काली माता मंदिर में नवरात्रों में दूर दूर से हजारों भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री काली माता मंदिर का दरबार लाइटों और फूलों से सजाया गया है। आज माँ भगवती का पहला नवरात्र है। माँ शैलपुत्री के रूप में जिसकी पूजा की जाती है वह नवरात्र आज है और माँ भगवती के नवरात्रों से ही हजारों भक्त यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के आते हैं और उनके अपने मनोकामनाएं कोई पूर्ण किसी की पूर्ण होती है तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अपने मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं और माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये कालका जो स्थान है या महाकाली का पिंडी रूप में साक्षात रूप में माँ यहाँ पर विराजमान है जो कि पंचकुला से के पास 20 किलोमीटर की दूरी पर शिमला हाईवे पर स्थित है। ये स्थान पांडवों के द्वारा एक स्थापित स्थान है जो कि माँ पिंडी रूप में साक्षात रूप शंभू रूप में यहाँ विराजमान है। अवैध वसूली व लड़ाई झगड़ा मारपीट करने, पैसों की अवैध वसूली की मांग करने तथा धमकी देने के मामले में पंचकुला सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह व उनकी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी कमल पिंजोर जिला पंचकुला का निवासी है जिसकी उम्र महज 24 साल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया, किन किन मामलों में आरोपी है? वो जो कमल है वो फिलहाल इसी मामले में आरोपी है जो उसने फिलहाल जो एक कबाड़ी रऊफद्दीन मड़ावाला का रहने वाला उनसे मंत्री मांगी थी। तो क्या पहले भी इसके ऊपर मामले कोई दर्ज है इस तरह के? नहीं, पहले ऐसा कोई विशेष मामला इसके पास नहीं है, पर इसके जो साथी हैं उनके जिनके नाम आए हैं उन पे कई मामले दर्ज है। उनके किस किस के मामले दर्ज है जी? इसमें कई मामले दर्ज हैं उनके पास, फिलहाल हम उनका नाम भी अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें जो है ना उस तर्क हो जाएंगे। तो आगे उनको भी गिरफ्तार करने में लगी हुई है क्राइम ब्रांच पुलिस। ठीक। बस्ताड़ा के महिला कॉलेज में एक बार फिर से छात्राओं ने हंगामा कर दिया। छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के तबादले की मांग करते हुए कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गई हैं। सूचना के बाद मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अड़िग रही। छात्राओं का आरोप है कि हाल ही में कॉलेज में हुए विवाद के बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने छात्राओं से बेवजह के सवाल करना शुरू कर दिए और छात्राओं को विवाद के विषय पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जबकि प्रिंसिपल ने छात्राओं को यह भी आश्वासन दिया था कि वे इस मामले को लेकर किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखेंगे और न ही कोई टिप्पणी करेंगे। उसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने छात्राओं को उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और जिसके बाद वे धरने से उठी। बच्चों ने स्ट्राइक की थी जो प्रिंसिपल और लेक्चरर का अंदर का कोई काम को लेकर उनका मामला था, तो जिसके संबंध में प्रिंसिपल ने एक शिकायत की हुई थी, तो उसके संबंध में आज प्रिंसिपल और लेक्चरर को बुलाया हुआ था जो उस कंप्लेंट के ऊपर दोनों का आपस में राजीनामा समझौता हो गया है। तो इसी दौरान स्टूडेंटों ने गेट पे धरना प्रदर्शन किया, जो हम भी मौके पर पहुंचे हैं। जो स्टूडेंटों से बात करी तो इन्होंने अपना ये बात रखी कि जो प्रिंसिपल है वो बदला जाए, तो इन्होंने अपनी एक कंप्लेंट हमें दे दी है जो जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम इसको पहुंचा देंगे। तो जैसे आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। कुछ डेट भी आपने दी है कोई अभी? उसमें हमने इनको बोला है कि 15 दिन के आसपास का टाइम हमने कंप्लेंट शिक्षा अधिकारी के पास भेज देंगे जी, बाकी जैसा उनको ठीक लगेगा वो अपनी कार्रवाई करेंगे जी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।